Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha IAS Academy and we are at lecture number 14. Now today we shall be discussing the chemistry. Now chemistry will be, basic chemistry we'll discuss of course. And chemistry will be in two parts. One we'll do it today and the next one we'll be doing tomorrow. Okay. तो बड़ा बेसिक बेसिक रखा है हमने, कुछ बहुत ज़्यादा डाला नहीं है. ठीक है, तो पहले मैटर पढ़ लेते हैं. सिंपल डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी, एनी थिंग दैट एक्वायर स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि स्पेस, जगह लेगी या उसका कुछ और उसका कुछ बाहर होगा, उसे क्या बोल देंगे हम लोग, मैटर. अब दो तीन लॉज होते हैं भैया. एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब भाई जब कभी भी एक केमिकल रिएक्शन आप कैसे लिखते हैं, आप ए प्लस बी ने रिएक्ट करके क्या बनाया, एक्स प्लस वाई. तो इसका जो मास होगा, इन दोनों का मास जो होगा, अगर इसका मास मैं बोल रहा हूँ 2 ग्राम है दोनों का मिला के, तो इसका भी 2 ग्राम होगा. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देन एक और लॉ है आपके पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. प्रोपोर्शंस ठीक है, ये क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट जो है या कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है, मान लिया कोई भी कंपाउंड है, मान लिया एक्स टू वाई फोर है. ठीक है, ये क्या है, एक कंपाउंड है. तो इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, और जब ये जब जब ये कंपाउंड बनेगा तो एक्स और वाई सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे. ठीक है, मान लिया अगर एक्स 20% है और वाई 80% है, तो ये इतने ही रहेंगे जब भी ये कंपाउंड बनेगा. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. फिर एक चीज होती है एटम. अब एटम क्या है कि केमिस्ट्री में बोला जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, देन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेल ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टी है ये, क्या है, एक तो स्मॉलेस्ट आपका पार्टिकल है, किस चीज का, आपके एलिमेंट का, और ये सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की दिखा सकता है आपको. इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की. ठीक है, और ऐसे ही मॉलिक्यूल होता है. मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस कैसी हो सकती है, इंडिपेंडेंट, क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का हो सकता है. ठीक है, और ये किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी दिखाता है. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. अब ये सारा का सारा जो है नोट्स में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन. मैं वहीं से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, वहीं से पढ़ के आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, फिर एक चीज होती है आयंस. भाई एच प्लस ओ एच नेगेटिव देखा होगा ना आपने, इन्हें बोलते हैं आयंस. जब आप इन्हें एक साथ जोड़ दोगे बहुत सारों को, तो ये क्या बन जाता है आपका, पॉली एटॉमिक आयंस. ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस. ओके, और थोड़े से और कष्ट चीज़ों की बात करने, एक होता है आपका एवोगाड्रो नंबर. देखो केमिस्ट्री में कुछ समझाने के लिए है नहीं, फैक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो बस मैं बताते चल रहा हूँ. तो एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है, वो होती है 6.022 × 10². ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम्स होते हैं, 6.022 × 10², इसी को ही एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं. ठीक है, ऐसे ही एक चीज होती है मास ऑफ 1 मोल, इसको मोलर मास बोलते हैं किसी भी इसका. ठीक है, फिर आपका अब क्या देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. तो इनकी डिस्कवरी किसने करी, इनकी डिस्कवरी करी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे जे थॉम्सन ने. और प्रोटॉन की किसने करी, आपकी ई
गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और एक नाम आप बहुत पढ़ते होंगे, कंफ्यूज होते होंगे, एक नाम है आपका रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या है? रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि भैया रदरफोर्ड एलिमेंट, या उसमें ही पता लगा था कि किसी भी एलिमेंट के का न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं ऐसे ऐसे। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो समझाया गया था वो रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था एक्चुअली इसका एक्सपेरिमेंट, उसमें समझाया गया था, ठीक है। अब बच्चा कौन सा, न्यूट्रॉन्स पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने करी आपके, जेम्स चैडविक ने, जे चैडविक भी बोलते हैं, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। अब आपका एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं, जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपके न्यूक्लियस में उतने उसका एटॉमिक मास हो जाता है। अब दो चीज़ें होती हैं इसी से रिलेटेड, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है भाई। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके, आइसोटोप्स होते हैं आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स का क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एक्चुअली एलिमेंट्स के ही होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एलिमेंट कर करते हैं, तो सेम एलिमेंट के वो पार्ट्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। और आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं चेंजेस पे। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं भैया आपका, एक तो फिजिकल एक केमिकल। भाई फिजिकल क्या हुआ, फिजिकल में क्या होता है कि कभी भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, वैसे ही होता है, वैसे ही बन जाता है। क्वेश्चन भी आया था अभी आपको, एक मिनट में क्वेश्चन बताऊंगा, यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे, और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वो, आसान क्वेश्चन नहीं था, आपको लगेगा अभी जब मैं, आसान लगेगा बट देन इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल में क्या होता है कि नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और केमिकल में क्या होता है कि न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये फर्क होता है किसके बीच में, केमिकल और फिजिकल चेंज के बीच में। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक फिजिकल चेंज है भाई, किसी भी चीज क्रिस्टलाइजेशन में मतलब होता है कि आप जो है उसके क्रिस्टल्स बना दे रहे हैं, ठीक है, उसे क्रिस्टल्स बना दे रहे हैं, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो केमिकल चेंज होता है। अच्छा, पहले क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था यूपीएससी सीएससी 2014 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड 25। लोगों को लगा भैया बहुत आसान है, ये तो केमिकल ही होगा, लोगों ने बन मार दिया, जबकि ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, बट देन सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना इज अ केमिकल चेंज। ओके, सो आंसर वॉज बी 3 ओनली, ठीक है। मेरा भी गलत हुआ था, टेंशन मत लो। देन रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं मैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आपको आयरन, मतलब आयरन आपको खराब हो जाता है, उसके लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है भैया, एक तो एयर एक वाटर, वाटर खुद भी हो सकता है या वाटर वेपर भी हो सकता है। जैसे ही मिला आयरन आपका रस्ट होना शुरू हो गया, तो आयरन क्या हुआ आपका, Fe प्लस ऑक्सीजन क्या हुई, O2 प्लस H2, वाटर क्या हुआ H2O। भाई रस्टिंग में क्या बनता है आपका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। इसको आप कैसे रोक सकते हैं, आप उसको पेंट कर दें, उसको ग्रीस कर दें, ठीक है,
क्रीज से एक और चीज याद आ गई, गैल्वनाइजेशन। जब आप किसी चीज पे जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं, तो उसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। भाई केमिकल इक्वेशन कैसे दिखती हैं? एक्स प्लस वाई आपस में ऐड करा, ए प्लस बी मिला। अभी अभी मैंने आपको इक्वेशन पीछे बताई कहाँ गई। ठीक है, ये Fe प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ गिव्स यू Fe2O3 और कुछ और भी निकलता होगा। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस करते थे, जिसके बाद केमिस्ट्री रही होगी 12th में, उस बच्चा वो बच्चा बहुत जूझा होगा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन में तो हीट बाहर निकलती है। अगर तो हीट आपकी बाहर निकली, ठीक है, हीट आउट हुई, तो वो होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, अंदर चले गई, तो उसे कहते हैं हीट इन, ठीक है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फिर दो चीज़ें और होती हैं, ऑक्सीजन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन का मतलब होता है भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखो पहले एसिड्स देख लेते हैं, एसिड्स होते कैसे हैं। एसिड्स जो होते हैं ना, थोड़े से खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट होता है उनका, खट्टा बना जाता है उसमें। बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर, दे आर बिटर और सोपी टच के होते हैं। ठीक है, अब जितने भी आपके आपकी बॉडी में भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे आपका डीएनए है, आपका डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ए स्टैंड फॉर एसिड, ये किससे बना होता है, एसिड से। ऐसे ही आपकी प्रोटीन, आपको जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है भाई, जल्दी बता दो बॉडी बिल्डर भाई मेरे जितने भी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की दवाई भी खाते हैं सब लोग, ज्यादातर लोग, एक कीटो ऐड आती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स बना लेती है, कुछ हमें उसे बॉडी को देने पड़ते हैं जो खुद बना लेती है, दैट आर नॉन एसेंशियल एंड जो हमें चाहिए होते हैं दैट आर एसेंशियल। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। आपका विनेगर किससे बना होता है, एसिटिक एसिड होता है वो। ऑरेंज में क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आपका टमाटो, टमाटो में क्या होता है, ऑक्सलिक एसिड, ये दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, नोट्स में जाकर देख लेना, आपका भी यार पूछ लेता है ना। अब अगर हम टेस्ट करें, एक होता है लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर होता है ना, एक लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, अगर तो सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो जो है लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देगा, लिटमस पेपर विल बिकम रेड। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो लिटमस पेपर विल बिकम ब्लू। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन। अगर आप कोई भी एसिड या बेस का, अबे क्या होता है कि इनमें आपके जो आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स तो होते ही हैं, अगर आप किसी बीकर में एसिड या बेस का सॉल्यूशन चला के एक सेल बनाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि इससे में जो है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है। मैंने जो फ्यूल सेल में भी आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्यूल फ्लो हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये जो है इसमें आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन अगर हम पी एसिड्स की बात कर ही रहे हैं तो पीएच की बात भी कर लेते हैं। देखो पीएच क्या होता है आपका, 0 to 14, 7 आपका न्यूट्रल होता है। हमारी जो बॉडी का पीएच होता है वो 7 से 7.8 होता है। ठीक है, 7 से 7.8 होता है, वो बड़ी नैरो रेंज में हम सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा रेंज नहीं रख सकते हम लोग अपनी। जैसे आप खाना खाते हैं तो एसिड्स छूटते हैं, एसिड छूटते हैं तो गैसेस एंड ब्लोटिंग होती है आपको, उसके लिए आप लोग एंटी एसिड्स खाते हैं। एंटी एसिड्स में कुछ नहीं होते, एंटी एसिड बेसिस होते हैं, क्योंकि एसिड के साथ अगर आप बेस को मिला देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स की।
अब भैया जितने भी एलिमेंट हैं, ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट हैं लगभग लगभग मेटल्स हैं सारे के सारे। लेस देन 20% जो हैं नॉन मेटल्स हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अलॉयज पढ़ेंगे। अलॉयज क्या होता है? मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल को मिला देंगे आप तो आपका अलॉय बन जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि आप उसे मार मार के शीट्स बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको मार मार के वायर बना सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होता है किसकी होती है? गोल्ड की। आप 1 ग्राम गोल्ड से लगभग लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। अब सोडियम मेटल है, वो बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आप बर्न करें, ऑन बर्निंग अगर आप गर्म करें मेटल को, तो क्या मिलेगा आपको? मेटल है तो भैया मेटल ऑक्साइड देगा। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखिएगा। और नॉन मेटल को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? नॉन मेटल ऑक्साइड। ये कैसे होते हैं? ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और हीट की बात करूं तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ, मतलब मेटल जो है हीट कंडक्ट करते हैं, और उसमें से भी बेस्ट जो है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आपके कौन कौन से हैं? आपका सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। और एक और चीज़ है कि मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे, सारे मेटल आपको मिलेंगे सॉलिड, बट देन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। फिर मेटल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है मेटलर्जी। सब मेटलर्जी बहुत लोग पढ़ते हैं, भी एक फील्ड है अपने आप में मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं, क्या होता है कि आपको जो मेटल चाहिए होते हैं आप उसको उससे और से निकालते हो। जैसे आपको आयरन आयरन चाहिए तो आप आयरन कहाँ से निकालोगे? आयरन ओर से। जो ये आयरन ओर से आयरन को निकालते हो तो इसमें आपको बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं, और इसी ब्रांच को, ऐसी फील्ड को कहते हैं मेटलर्जी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। कार्बन एंड कंपाउंड्स, चलो ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स भी इसी लेक्चर में पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं होता, कार्बन अर्थ क्रस्ट में लगभग लगभग 0.02% कार्बन है, ठीक है। और कार्बन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बिल्डिंग, मतलब आप ये समझ लीजिए इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर लाइफ। मतलब आप जो बोलते हैं ना कार्बन नहीं होनी चाहिए, कार्बन नहीं होनी चाहिए, कार्बन नहीं होगी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एसिड्स बनते हैं, वो आप, हमने नोट्स में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक, क्योंकि इसका केमिस्ट्री का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है, पढ़ते ही जाएंगे तो। बट लेकिन हमें अपने काम की चीज़ें पढ़नी है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कीप स्माइलिंग, और कोई भी दिक्कत हो, नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करें हमें, हम आपको जो भी कोशिश, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसकी, उसका सॉल्यूशन देने या उसमें सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।